यह है दुनिया के इतिहास की कुछ सबसे खूबसूरत राजकुमारियां। क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा को सुंदरता की देवी भी कहा जाता है। सुंदरता के साथ साथ क्लियोपेट्रा का जीवन भी काफी रहस्यमय था, जो आज भी खोजकर्ताओं को उनकी तरफ आकर्षित करता है। इतिहास के मुताबिक क्लियोपेट्रा जितनी सुंदर थी उससे कहीं ज्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी भी थी। पिता की मृत्यु के बाद क्लियोपेट्रा और उसके भाई को मिलकर शासन करना था, लेकिन भाई को राज्य पर क्लियोपेट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई और बगावत हो गई। ऐसे में क्लियोपेट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी। लेकिन इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मुंह में फंसाकर क्लियोपेट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया। सीजर ने उसके भाई को मार गिराया और क्लियोपेट्रा एक बार फिर अपने पिता के राज सिंहासन पर जा बैठी। कहते हैं अपने रूप को बनाए रखने के लिए वो हर रोज 700 गधियों के दूध से नहाया करती थी। ज़हरा खानुम। इस ईरानियन प्रिंसेस का जन्म सन 1883 के दौरान हुआ। बेशक इनके चेहरे और कदकाठी को देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मोहतरमा इस खूबसूरत राजकुमारी की लिस्ट में कैसे आ गई, तो जान लीजिए कि खूबसूरती का पैमाना समय के साथ बदलता आया है। और बताया जाता है कि उस समय में ईरान के मर्द ज़हरा खानुम की खूबसूरती के कसीदे पढ़ा करते थे। कई पुरुषों ने इनके प्यार में पागल होकर आत्महत्याएं तक कर ली थी। ज़हरा अपने समय से कुछ ज्यादा ही आगे थी। उसने मर्दों के दौर में औरतों के ऊपर होते अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। वो एक आर्टिस्ट थी, एक लेखिका थी और एक ऐसी महिला थी जिसने ईरान में पश्चिमी देशों जैसे कपड़े पहनने शुरू किए। ज़हरा खानुम ने अपने पति को भी तलाक दे दिया और जान लीजिए इराक में ऐसा करने की उस दौर में कोई सोच भी नहीं सकता था। महारानी विक्टोरिया। 24 मई सन 1819 में जन्मी महारानी विक्टोरिया ने मात्र 18 साल की उम्र में ही राजगद्दी को संभाल लिया था। अपने जीवन के तकरीबन 63 सालों तक इन्होंने सत्ता को संभाला, जिसके चलते इनका नाम यूरोपीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक राज करने वाले शासकों में गिना जाता है। ये खूबसूरत थी और बेहद इंटेलिजेंट भी, साथ ही उनके हाथ में सत्ता की अपार ताकत थी। शायद यही वजह थी कि जवानी के दिनों में हर एक नौजवान का दिल उनके नाम से धड़कता था। विक्टोरिया का शादीशुदा जीवन 21 साल तक चला। वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन फिर जब उनके पति की मौत हो गई तो उनके प्रेम प्रसंगों के कई किस्से सुनने को मिले। और जब वे भारत पर हुकूमत चला रही थी तो उनका दिल एक भारतीय नौजवान पर भी आया था। रानी पद्मिनी। धन्य है हिंदी सिनेमा जिसकी बदौलत आज हर कोई रानी पद्मिनी की खूबसूरती और उनके इतिहास से बखूबी वाकिफ है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते तो बता दें, रानी पद्मिनी इतिहास के सबसे खूबसूरत रानियों में से एक मानी जाती है। वे इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखने के लिए लोग तरसते थे, हर कोई उन पर फिदा था, जिसमें एक नाम मुगल बादशाह अलाउद्दीन खिलजी का भी शामिल है। रानी पद्मिनी के रूप से सम्मोहित होकर खिलजी ने उन्हें पाने के लिए युद्ध छेड़ दिया था, लेकिन उन्हें कभी पा नहीं सका क्योंकि रानी ने बचने के लिए खुद को ही आग में सुपुर्द कर दिया था। महारानी इंदिरा देवी। महारानी इंदिरा देवी बड़ौदा राज्य की राजकुमारी थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि अपने जमाने में उन्हें देश की सबसे सुंदर महिला माना जाता था। उनका विवाह कूच बिहार के राजा जितेंद्र नारायण से हुआ। बता दें, अपने पेरेंट्स द्वारा की गई सगाई को तोड़कर उन्होंने महाराजा जितेंद्र से लव मैरिज की थी। इंदिरा देवी हमेशा अपनी खूबसूरती और पहनावे को लेकर सजग रहा करती थी। देश में सिल्क और शिफोन साड़ियों का ट्रेंड बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। रानी को बनने संवरने का बहुत शौक था। इनके बारे में ये बात मशहूर है कि एक दफा इन्होंने इटली के नंबर वन डिजाइनर कंपनी को 100 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर दिया, जिन्हें हीरे और रत्न जड़कर तैयार किया गया, और ये बात पूरे इटली में फैल गई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल री रिसर्च पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।